हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस द न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज द सिक्स चैप्टर ऑफ योर हिस्ट्री बुक्स ऑफ क्लास सिक्स सो लेट्स स्टार्ट न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज स्टूडेंट्स फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाई द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज हम आपको बताएंगे कि इस चैप्टर का नाम न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज क्यों पड़ा इसमें न्यू क्वेश्चंस में सबसे पहले हम ये बताएंगे कि आइडियाज जो होते हैं वो हमें क्वेश्चंस जो दिमाग में आते हैं वट एवर द क्वेश्चंस केम इनटू द माइंड ऑफ एनी पीपल द पीपल ट्राई टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस एंड सो दे स्टार्ट टू कलेक्ट द आइडियाज एंड अल्टीमेटली दीज आइडियाज बिकम द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस तो इस चैप्टर का क्वेश्चन और आइडिया जो नाम पड़ा वो इसलिए है कि शुरुआत ही होता है मन में उत्पन्न हुए क्वेश्चन से और वो क्वेश्चंस आइडियाज बन के आए और वो आइडियाज आगे चल के एक रिलीजन बन गया और उसी तरह के रिलीजन में हम दो रिलीजन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हमें जानना है एक स्टोरी से कि अनागास स्कूल ट्रिप जो है अनागास का एक स्कूल ट्रिप्स होता है और वो किस तरह स्कूल जाते हैं जैसे कि दिस वॉज द फर्स्ट टाइम अनागा वॉज गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप आप जानते हैं स्कूल के तरफ से ट्रिप जाता है कहीं आपको वैशाली घुमाने के लिए पटना घुमाने के लिए राजगीर घुमाने के लिए ले जाते हैं उस तरह के एक ट्रिप था उसका एंड दे बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम पुणे इन महाराष्ट्र लेट एट नाइट टू गो ऑल द वे टू वाराणसी उत्तर प्रदेश सो हर मदर हु केम टू सी हर ऑफ एट हर एट द स्टेशन टोल द टीचर्स डू टेल द चिल्ड्रंस अबाउट द बुद्धा एंड टेक देम टू सी सारनाथ एज वेल यानी कि वो वाराणसी में गए तो सारनाथ के बारे में जानना है और बुद्धा के बारे में सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ बुद्धा कि बुद्धा कौन थे स्टूडेंट बुद्धा का नाम जो था बचपन का सिद्धार्थ था बाद में वो गौतम बुद्ध कैसे बन गए सिद्धार्थ एक आपको बताएं जो बहुत ही बड़े फैमिली से आते थे सिद्धार्थ जो थे वो बहुत बड़े फैमिली से आते थे और अगर उनको सही मामले में हम देखें तो वो एक शाक्य ट्राइब से आते थे यानी कि द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म उन्हें माना जाता था सिद्धार्थ को और ये बताएं कि उनकी शादी हुई थी एक प्रिंसेस से जिनका नाम था यशोधरा और स्टूडेंट उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम था राहुल लेकिन वो कैसे वो महान बने इसके बारे में इस चैप्टर में जानना है कि सिद्धार्थ ऑल्सो नोन एज अ गौतम बुद्ध के नाम से जिनका जन्म आपको 567 बीसी 567 बीसी में हुआ था बॉर्न इन लुम्बिनी वन नियर द सिटी ऑफ कपिलवस्तु और यह लगभग स्टूडेंट 2500 साल पहले की बात है कि सिद्धार्थ जो थे वो आज से 25 साल पहले उनका जन्म हुआ एंड दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन लाइफ्स ऑफ पीपल और यह समय था जो लोगों में परिवर्तन का समय था एज यू शो इन चैप्टर 6 में आप देखेंगे सम किंग्स इन द महाजनपदाज वेयर ग्रोइंग मोर पावरफुल बहुत तेजी से वो अधिक पावरफुल हो रहे थे न्यू सिटीज वेयर डेवलपिंग एंड लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेजेज एज विल सी इन चैप्टर 10 आप देखेंगे इसमें मेनी थिंकर्स वे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस चेंजेज इन सोसाइटी एंड दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ वो सब के सब जानना चाहते थे कि आखिर जीवन का मतलब क्या है और उन्हें ऐसा लगता था गौतम बुद्ध भी वही सोचे थे कि रात में उन्हें ऐसा लगता था अचानक कोई आकर के उन्हें स्वप्न में बता रहा है कि अरे भाई जागो और बताओ कि लाइफ का एक्चुअल मतलब क्या है सो बुद्धा जो थे वो बिलोंग टू ए स्मॉल यू नो गाना नोन एज शाक्य गण आप कह सकते हैं एंड वॉज अ क्षत्रिय वेन ही वॉज यंग मैन ही लेफ्ट द कम्फर्ट ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज जब यंग थे तो वो छोड़ दिया अपना राजपाट और बुद्धि के तलाश में वो नॉलेज की तलाश में ज्ञान के तलाश में चले गए इस तरह ही वंडर्ड सेवरल ईयर्स यू नो मीटिंग एंड होल्डिंग द डिस्कशन विथ अदर थिंकर्स मिलते थे लोगों से डिस्कस करते थे एंड फाइनली जो था उनका ही डिसाइडेड टू फाइंड हिज ऑन पाथ टू रियलाइजेशन एंड मेडिटेटेड
फॉर डेज ऑन द अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार। और अंत में उन्हें एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें शांति मिली। बोध गया में जो बिहार में है उसे हम वेयर ही अटेंड इनलाइटमेंट, जहाँ उन्हें इनलाइटमेंट हुआ। एंड आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज यू नो बुद्धा और द वाइज वन। ही देन वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी, और उसके बाद वो वाराणसी गए स्टूडेंट सारनाथ में। एंड ही स्पेंट रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रेवलिंग ऑन फूट, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टीचिंग पीपुल टिल पास्ट अवे कुशीनारा में मर गए। तो जब तक वो मरे तब तक वो मरे उससे पहले वो जगह जगह जा कर के लोगों को अपने बारे में बताते थे, लोगों को आत्मा के बारे में बताते थे, जीवन का सही अर्थ के बारे में बताते थे। एंड द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। वो उन्होंने लोगों को सिखाया कि जीवन जो होता है फुल ऑफ सफरिंग होता है एंड अनहैप्पीनेस होता है। दिस इज कॉज बिकॉज वी हैव यू नो क्रैविंग्स एंड डिजायर्स विच ऑफन कैनॉट बी फुलफिल। अपनी इच्छा नहीं पूरी की जा सकती। तो उनके बारे में एक छोटा सा कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपके बुक में है, ईशा गौतमी का है कि हेयर इज अ फेमस स्टोरी अबाउट बुद्धा स्टूडेंट्स। वंस देयर वॉज अ वीमेन नेम्ड कीशा गौतमी, उसका नाम जो था वो कीशा गौतमी था। एंड हुज सन हैड डैड, उनके पुत्र मर गए थे और वो रो रही थी, सबों से मांग रही थी कि हमारे बच्चा को कोई जीवित कर दे, जीवित कर दे। अंत में वो गौतम बुद्ध के पास पहुंची। गौतम बुद्ध ने उन्हें बताया कि ऐसा करो मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक मेरा काम करना पड़ेगा। वो बहुत खुश हुई और बोली कि ठीक है बोलिए। तो यू गो एंड यू हैव टू कम विथ सम क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड, कुछ थोड़ा सा सरसों मांग के लाना है आपको, कहीं से राई मांग के लाना है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि आप सरसों उसी से मांगे जिसके घर में कोई मौत नहीं हुई हो। अब ये गई और उसके बाद कहीं से नहीं मिला तो बहुत निराश होकर वो आ गई। तो स्टूडेंट्स यही इस कहानी का मेन है कि व्हाट वाज बुद्धा ट्राइंग टू टीच द सॉरोइंग मदर, क्या समझाना चाह रही थी। वो समझाना चाह रही थी कि फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, कोई न कोई किसी न किसी घर में डेड हुआ था। तो इस तरह वो जो है आपको कर्म का अपना जो फल होता है कर्म के बारे में उन्होंने बताया है कि ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड। उन्होंने अभी बताया कि लोगों को काइंड होना है एंड टू रिस्पेक्ट द लाइफ ऑफ अदर्स, दूसरे के जीवन का भी आदर करना है इंक्लूडिंग एनिमल्स, ऐसा नहीं कि मनुष्य का ही, एनिमल्स का भी आपको उन्हें आदर करना है। ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शंस कॉल्ड कर्म, जिसे हम कहते हैं, वेदर गुड और बैड अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट, हमारे जीवन में अपने कर्मों का फल मिलता है। तो स्टूडेंट्स वी विल, एंड दूसरी चीज़ है व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज्ड कंपोज द वेदाज, वेद के बारे में भी उन्हें बताए हैं। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उपनिषद और वेद के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपको जैनिज्म यानी महावीर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।